नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की ओर। भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शासन की जन कल्याणकारी एवं जनहितेशी योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों को फोकस कर अधिक से अधिक विकास कार्य किए जा रहे हैं, जिसके लिए सड़क बिजली पानी के साथ ग्रामवासी जिन्हें आवास सुविधा नहीं है, इन्हें आवास ऋण देकर शासन की मुख्यधारा में जोड़ने का काम लगातार चल रहा है। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्र की उन्नति और विकास के लिए लगने वाले शासन के विभिन्न मदों से शासकीय धनराशि आवंटित कर बड़े पैमाने पर विकास कार्य में की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसके लिए शासन द्वारा पंचायती राज स्थापित कर वहां पर निष्पक्ष चुनाव करवाकर उनका गठन किया गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रहे ग्रामीणों को पारदर्शी शासन प्रणाली व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो सके। किंतु इसके विपरीत ग्राम पंचायत केरमाला पंचायत में आधा बाटी रेवड़ी अपने अपने को दे इस कहावत को चरितार्थ करते हुए अपने करीबी रिश्तेदारों के ही आवास ऋण का दोहरा लाभ देते हुए शासन की धनराशि को ठिकाने लगाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। कई विकास कार्यों की स्वीकृति पूरी धनराशि को निकालकर आपस में बंदर बांट कर ली। निर्माण कार्य आज भी अधूरे हैं, जो शासन की ओर मुंह चढ़ाने का काम कर रहे हैं। किचन सेट, सीसी रोड, अन्य निर्माण कार्य आवास क्षण में करमाला के पूर्व सरपंच और सचिव सहायक सचिव द्वारा जबरदस्त घपला किया गया है। इसकी शिकायत को लेकर ग्रामवासियों का एक प्रतिनिधि मंडल नवनियुक्त सरपंच के साथ बड़वानी कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जांच की मांग की है। दोषी अधिकारी कर्मचारी के साथ ही जो भी इसमें संलग्न है उसके विरुद्ध विधिवत कार्रवाई की जाए। इस संबंध में एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने में मुकेश विकास, प्रेम सिंह, लालचंद, राजू भूरिया बाटला, सहरिया गंगाराम, सुन सिंह, प्रेम सिंह, रामचंद्र के साथ कई ग्रामीण मौजूद थे। बड़वानी से शकील मंसूरी के साथ संजय बामनिया की रिपोर्ट। आपका नाम? मेरा नाम जगदीश डुडवे, मैं वर्तमान सरपंच। कौन से गांव के आप? ग्राम पंचायत केरमला। ये किधर आता है? ये जनपद पंचायत सेंधवा। अच्छा, आज वो बड़वानी जिला पंचायत और किस लिए आए, किस संबंध में आए? हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए। किस संबंध में ज्ञापन दिया? वो पूर्व सरपंच, सचिव और सहायक रोजगार द्वारा काफ़ी भ्रष्टाचार किया गया है ग्राम पंचायत में, इसीलिए हम हमारी पंचायत को पूरी वापस रिजाँच कर लिए आए हम। उसमें सीसी रोड हो गया है और पुलिया हो गया, निर्मल नीर हो गया है और इंदिरा आवास में कुटीर में ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ है। आवास में क्या क्या मतलब? और पात्र लोगों को लाभ दिया गया है, पात्र लोगों का नाम काट दिया गया है। तो इसमें क्या कोई दोहरा लाभ भी दिया? हाँ, उसमें दोहरा लाभ दिया गया है। इनको पहले 2015 में जो इंदिरा आवास चल रही थी उसका भी, उसमें भी लाभ दिया है। अभी जो आवास प्लस चल रही है उसमें भी उनका नाम जोड़ दिया गया, सहायक रोजगार और सचिव और सरपंच द्वारा। अच्छा, इसके सबने पूर्व कोई शिकायत करी थी आपने? नहीं, उसको पहले हमने कोई शिकायत नहीं करी है। अभी हम, मैं सरपंच हूँ, मैं नया काम मांगने जा रहा हूँ तो मेरे को पुराने काम पूर्ण करो ऐसा ऐसा बताया जा रहा है। पुराना काम से अपने को कोई लेना देना नहीं है और पुराने काम की कोई राशि भी नहीं कुछ, वो पूरे पैसे निकाल के खा गई इन्होंने। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।